और तारशाद लावरशाह दरगाह के अंदर भी तामीरी काम चल रहा है, जो आर्चों का मज़ारों के ऊपर गुंबद आर्चों का काम और दरगाह के पीछे के एहतियात में मदरसे का काम चल रहा है। ये सारा काम तारशाद लावरशाह दरगाह के नौजवान और नौजवान कमेटी के तरफ से किया जा रहा है, ना कि एक पैसा भी और कुछ रकम भी ना तो वक्फ बोर्ड की तरफ से ली गई है और ना हुकूमत कर्नाटक की तरफ से ली गई है। ये सारा तामीरी काम और जो काम जो भी चल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तारशाद लावरशाह दरगाह के नौजवान कमेटी की तरफ से ही किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तारशाद लावरशाह दरगाह के अंदर सलाम और फतेह खानी और ख्वाजा की छुट्टी शरीफ मनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं आपके अपने स्कॉलर ट्रोशा की तरफ से के फतेह खानी होते हुए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल कोलार रहमत नगर में मौजूदा हज़रत तारशाद लावरशाह दरगाह के तहत में कल बरोज़ मंगल ख्वाजा की हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज की छट्टी शरीफ मनाई गई। ये छट्टी शरीफ हर माह चांद के 6 तारीख को मनाई जाती है हज़रत तारशाद लावरशाह दरगाह के एहतियात में, और हर साल रजब के चांद के 6 तारीख को बड़ी छट्टी शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज की मनाई जाती है। तो ये मंज़र आप देख रहे हैं रहमत नगर हज़रत तारशाद लावरशाह दरगाह का पूरा मंज़र। वहाँ पर ख्वाजा की छट्टी के वक्त फातह खाने और सलाम पढ़ते हुए और बच्चों को ताम का भी इंतज़ाम किया गया, बच्चों और बड़ों सब ताम का इंतज़ाम किया गया। और आप देख रहे हैं आपके अपने स्कॉलर ट्रेनिंग चैनल की तरफ से سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله।